मैच हम लाहौर से खेले थे तो हमारा यही प्लान था कि अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, और मॉडर्न एरा के लिए आज से मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी टीम के लिए अटैकिंग क्रिकेट खेल सकूं, उनके प्लान पे एग्जीक्यूट कर सकूं। तो बस यही कोशिश थी कि अपना जो स्ट्रेंथ है उस पर रह के मैं अटैक कर सकूं बॉलर्स पर। इसमें कहीं ना कहीं ये भी टैक्टिक थी कि आप एक लेफ्ट हैंडर के साथ आना चाहते थे शाहीन के अगेंस्ट। ऑब्वियसली ये सारे प्लान्स सबको ऑपोजिशन को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं हम लोग, तो यही स्ट्रेटजी थी आज जो कि कामयाब हुई है। ओवरऑल आपने कोई स्कोर माइंड में रखा हुआ था एज ए टीम और एज ए प्लेयर जब आप लोगों को पावर प्ले अच्छा स्टार्ट मिल गया था, टोटल स्कोर की बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली फर्स्ट टारगेट तो हमारा 200 प्लस था, उसके बाद जितना मैक्सिमम जा सकते हैं, तो यही चीज़ थी कि आउट होने से नहीं डरना है और फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है हमने, जो कि पेशावर ज़ल्मी हमेशा से खेलती हुई आई है और उसका हमें सक्सेस मिली। चलिए कंग्रेचुलेशंस ऑन।